हिंदुस्तान में एक मरतबा न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर्स ईव थी, यानी अगला दिन लिया चढ़ना था। रात के 12 बजे सारे लोग ट्रफाल्गर स्क्वायर में इकट्ठे हुए, जो दुनिया की बेहियाँ हैं उनमें मसरूफ हो जाते हैं उन दिनों में। और जब रात के 12 बजते हैं तो समझते हैं कि अब कोई तहजीबी रोक नहीं, कोई मजहबी रोक नहीं, हर किस्म की आज़ादी है। उस वक्त इत्तेफाक से वो रात मुझे ह्यूस्टन स्टेशन पे आई। मुझे ख्याल आया जैसे कि हर अहमदी करता है, कोई इसमें मेरा खास अलग मुकाम नहीं था। अक्सर अहमदी अल्लाह के फजल से नया दिन इस तरह शुरू करते हैं, नया साल के रात के 12 बजे इबादत करते हैं। तो मुझे मौका मिला, मैं भी वहाँ खड़े होकर स्टेशन पर कागज़ अखबार थे वही बिछाकर वहाँ दो नफर पढ़ने लगा। कुछ देर के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ कि कोई शख्स आके खड़ा हो गया है। और फिर नमाज अभी ख़त्म नहीं की थी तो मुझे सिसकियों की आवाज़ आई। एक शख्स रो रहा था। नमाज से फारग होने के बाद मैंने देखा कि एक बूढ़ा अंग्रेज बच्चों की तरह पिलक पिलक के रो रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं समझा मैं पागल हो गया हूँ, फिर इसलिए रो रहा है बेचारा मेरी हमदर्दी में। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी कौम को कुछ हो गया। सारी कौम इस वक्त नए साल में बेहयाई में मसरूफ है और एक आदमी ऐसा है जो अपने रब को याद कर रहा है। इस चीज़ ने, इस मुआवजे ने मुझे इस कदर मेरे दिल पर असर किया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और बार बार कहता था गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो हकीकत यह है कि अगर सारी दुनिया मजाक भी उड़ाए तब भी कौड़ी की परवाह नहीं होनी चाहिए कि अहमदी नौजवान को, वो आज़ाद मर्द है, खुदा के सवा उसकी गर्दन किसी के हाथ में नहीं। यही एक हकीकी आज़ादी है जो इंसान को नसीब होती है ईमान के नतीजे में। कौड़ी की उसको परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो दुनिया उसके सामने झुकेगी, दुनिया उसकी इज्जत में इजाफे करेगी, जिल्लतें वारद नहीं करेगी। यही देखा गया है दुनिया में हमेशा, खुदा की खातिर जिल्लतें कबूल करने वाले कभी दुनिया में जलील नहीं किए गए, हमेशा उनकी इज्जतों में अल्लाह ताला की तरफ से इजाफे होते हैं और बरकतें मिलती हैं।